आज हम इस लेक्चर में वर्क और हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए, जो हमारे पास वर्क और हीट होते हैं वो एक तरीके होते हैं, मोड होते हैं, जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो हीट होती है वो एनर्जी नहीं होती है। ठीक, मतलब क्या है, हीट और वर्क दोनों क्या है, दोनों तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं मान लीजिए मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये मेरे पास क्या है, पेन है, मैंने इसको क्या किया, इस पे कुछ काम किया, इसको इस हाइट पे पहुंचा दिया। ठीक, तो मैंने ये क्या किया, जैसे मैंने इसको इस हाइट तक पहुंचाया होगा तो मैंने इसके अपने अंदर से कुछ एनर्जी ट्रांसफर करी होगी। ठीक, तो मैंने मान लीजिए इसके अंदर क्या है, 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर करी। मतलब मैंने क्या किया है, इसको इस ऑब्जेक्ट को यहां पे था, मैंने कोई इसको यहां से लेके यहां ऊपर तक इसे लेके गया या छाइट तक, तो मैंने क्या किया, इस पे काम किया, और काम करने पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या है, 10 जूल की एनर्जी क्या है, मान लीजिए ट्रांसफर करी, क्या है, वर्क करके। ठीक, तो वर्क करके, तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहां पे इसको क्या है, 10 जूल की एनर्जी मैंने इसके अंदर ट्रांसफर करी। सेम टू सेम क्या करिए, आप इसी पेन को जाके क्या है, गैस पे रख दीजिए और गैस को जला दीजिए और इसके अंदर क्या है, 10 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप गैस पे इसको रखेंगे तो ये पेन क्या करेगा, पेन क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो इसका मतलब जब आप क्या क्या 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हटा लीजिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, देखिए दो तरीके थे मेरे पास, क्या है, मैंने एक काम करके इस पे वर्क करके इसके अंदर एनर्जी कितनी ट्रांसफर करी, 10 जूल की। ठीक, दूसरा मैंने क्या किया, इस पे गैस सिलेंडर पे मैंने क्या इस पेन को रख दिया और इसके अंदर क्या किया, एनर्जी कितनी ट्रांसफर कर ली, किससे, हीट करने के बाद, ना गैस सिलेंडर था, मैंने इसको क्या है, जलाया और इस पे रखा और 10 जूल एनर्जी क्या है, ट्रांसफर कर ली। अब तुम इस ऑब्जेक्ट से पूछो तुम्हारे अंदर एनर्जी कहां से आई, अगर तुमने क्या, तुम्हारे पास दो तरीके थे, तुमने दोनों तरीके से क्या किया, मेरे पास ना एक पेन ए लिया और इसको ले लिया, दोनों में एक में तुमने क्या किया, वर्क के थ्रू 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर करी और एक को तुमने क्या है, उसके हीट करके ट्रांसफर करी। अब अगर इस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट से पूछोगे कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी आई है वो किसके थ्रू आई है, वर्क के थ्रू आई है या हीट के थ्रू आई है, तो ये ऑब्जेक्ट दोनों ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे अंदर एनर्जी क्या है, वर्क के थ्रू आई है या हीट के थ्रू आई है, बात समझिएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो मैक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें तो जो हीट होती है, ठीक, जो हीट होती है और जो वर्क होते हैं, ठीक, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस ये क्या है, हीट और वर्क क्या है, दोनों क्या है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। मतलब तरीके हैं, हीट और क्या वर्क, हमारे पास तरीके हैं जिससे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या है, देखिए मेरे पास जो वर्क है वो क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक, सेम टू सेम मैंने क्या देखिए, क्या जो मेरे पास हीट है वो मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास क्या है, एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, उसका माध्यम था, तो मैंने उसको एच हाइट तक उठाया इसको और अपने अंदर से एनर्जी कुछ इसके अंदर क्या करी होगी, ट्रांसफर करी होगी। तो हमने कितना, इसका मतलब हमने इस पर वर्क कितना किया, इतना वर्क किया, या मास था, उसको एच हाइट के अंदर उठाया और इसके अंदर इतना वर्क किया, और इतना वर्क करके हम इसके अंदर एनर्जी कितनी, मान लीजिए 10 जूल की ट्रांसफर की। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करके, ठीक, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसका मतलब वर्क क्या है, वर्क एक हमारे पास जरिया है, तरीका है जिससे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको उठाया तो अपने अंदर की एनर्जी क्या, मैंने इसके अंदर ट्रांसफर करी होगी। ठीक, तो इसका मतलब एनर्जी इस पेन के अंदर ट्रांसफर हो गई, तो मैंने कितनी करी, 10 जूल। सेम टू सेम अंदर में क्या कहा, मेरे पास यार गैस सिलेंडर था और मैंने यहाँ पे क्या एक कंटेनर लिया, इसके अंदर पानी भरा, ठीक, और यहाँ पे रख दिया और बाद में मैंने गैस को जलाया, जैसे क्या गैस जलने लगी, ठीक, जलने लगी गैस, तो यहां से क्या हुआ, सिलेंडर के अंदर जो हीट, मतलब जो एनर्जी स्टोर थी वो क्या है, हीट के फॉर्म में यहां से यहां इस पानी में क्या होगी, ट्रांसफर होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, हीट करने पे क्या हो रहा है, यहां से एनर्जी यहां पे ट्रांसफर हो रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे इसका मतलब जो हीट है वो तरीका है जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, ये तो पॉइंट हमारे पास पहला पॉइंट आया कि दोनों हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला पॉइंट अगर हम ये देखें तो देखिए मेरे पास क्या है, जो मेरे पास वर्क है, वर्क क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, और जो मेरे पास हीट होती है ये थर्मल एनर्जी को, मतलब हीट के थ्रू जब हमारे पास एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो हम इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी।
ठीक, पॉइंट समझ में आया। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि जब मैं वर्क करूंगा तो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करूंगा, उससे फोर्स लगाऊंगा, उसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्या होगा, अगर वर्क के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तो इसमें क्या होगा, फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, ध्यान दीजिए इसमें, अगर तुम हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तो कंडीशन क्या आनी चाहिए कि इसके बीच, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस, मतलब सॉरी टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस, मतलब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ और है, इसका टेम्परेचर कुछ और है, तभी क्या होगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, ठीक ये है, ठीक, इसको मैंने वायर से जोड़ दिया, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक, और इसका मेरे पास कितना है, मान लीजिए मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो अपने आप एनर्जी यहां से इधर ट्रांसफर होने लगेगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब यहां हीट के थ्रू हो रही है, तो मैं क्या कहूंगा, जो मेरे पास हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक। अब देखिए, अगर मैं अगला पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट ये है कि देखिए, अगर मैं जैसे इस पेन को ऊपर इस तरीके से लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके अंदर एनर्जी जो ट्रांसफर कर रहा हूं वेस्ट नहीं जा रही, वो सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर चली जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वर्क के थ्रू एनर्जी क्या करता हूं, किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता हूं, तो उसमें जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफर करने की, मतलब क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने की एफिशिएंसी वर्क में ज्यादा होती है कंपेयर टू हीट। क्यों हीट में, अगर तुम इसको क्या है, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, उसको हीट करोगे तो यहां बहुत सारी हीट क्या होती है, यहां हमारे पास क्या है, एनर्जी बाहर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ये तो है, क्योंकि तुम देखे होगे अगल बगल का भी टेम्परेचर क्या है, धीमे धीमे क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, जो हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होगी उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होगी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, लो होगी, ठीक, लो होगी। तो ये मेरे पास चार पॉइंट आते हैं, ठीक। तो हमने ये जान लिया कि जो हमारे पास क्या होता है, हीट होता है और वर्क होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में कोई भी क्या होता है, डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, अब अगर हमारे पास ये चार पॉइंट है तो हमें से कंक्लूजन क्या निकालें। देखिए, कंक्लूजन सबसे पहले ये निकलता है, पहला कि इस चारों पॉइंट से कि जो हीट है वही वर्क है और वर्क है वही हीट है, मतलब जो हीट होता है वो वर्क होता है, वही वर्क है और जो वर्क है वही हीट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि ये मेरे पास जो हीट है या वर्क है, ये कोई चीजें नहीं है जिसको हम स्टोर कर सकें। याद रखिएगा, जो वर्क है, वर्क को मैं स्टोर नहीं कर सकता, हीट को मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या, ये कोई चीजें नहीं है जिसको स्टोर कर सको, किसी डिवाइस में हम स्टोर नहीं कर सकते या किसी मीडियम में हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लेकिन मैं एनर्जी को क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट हमने देखिए यही लिखा है, क्या जो मेरे पास ये क्या है, कोई हमारे पास चीजें नहीं, थिंग्स नहीं है जिनको मैं क्या करूँ, स्टोर कर सकूँ। इसका मतलब, लेकिन मैं एनर्जी को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक। एक तो पॉइंट ये आया। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि जो हीट है और वर्क है, ये एनर्जी नहीं होती है। क्या, ये हीट और वर्क एनर्जी नहीं होती है, ठीक। ये हमारे पास तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, एनर्जी को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, ठीक। तो मेरे पास थर्ड पॉइंट हमने यही लिखा है। देखिए, थर्ड क्या है कंक्लूजन में, कि वर्क जो है, वर्क और हीट नॉट एनर्जी, बट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है उसमें ना, अगर वर्क और हीट के थ्रू एनर्जी को लॉस या गेन कर सकता है। देखिए, फोर्थ पॉइंट ये लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब क्या है, जब मैं बल्क ऑफ मैटर की बात करूंगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो वर्क और हीट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। लेकिन यहां पे मैं वर्क और हीट को थोड़ा सा अपने जरिए पहचान सकता हूं, क्या, कि देखिए अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर मैं देखूंगा, मान लीजिए एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, ठीक, और दोनों का टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो इसका मतलब, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है और एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, तो मैं कहूंगा वहां पे वर्क हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं क्या कहूंगा, एनर्जी क्या है, यहां से यहां ट्रांसफर हो रही, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा वहां पे क्या हो रहा है, हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक, कि अगर मेरे पास क्या है, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो वर्क के थ्रू होता है, ठीक। अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा हीट के थ्रू। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, क्या, जैसे अगर हमारे पास करंट की बात कर लेते हैं,
ठीक। तो करंट की अगर हम बात कर ले, देखिए करंट की अगर हम बात करें तो ये वायर है, ठीक। इसमें क्या होता है, हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो देखो अगर वायर का तुम टेम्परेचर देखोगे, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, तो मैं कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास होती है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो क्या होता है, वर्क के थ्रू होता है, ना कि हीट के थ्रू होता है, ठीक। तो ये मेरे पास क्या थे, चार कंक्लूजन निकल के आए थे, ठीक। अब हमने माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लिया ये सारी चीजें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट और वर्क में जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। मैंने कहा कि अगर तुम इस पेन में क्या है, वर्क करके हीट ट्रांसफर करवाओ या इसको हमारे पास हीट करके, ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं पता पाएगा क्या इसके अंदर जो एनर्जी आई है वो कहां से आई है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे पास हीट और वर्क में डिफरेंस आ जाता है, ठीक। खाली हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक डिफरेंस है, चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम क्या करेंगे, वर्क और हीट को क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो इसमें हमारे पास ना डिफरेंस आ जाता है। देखिए क्या, देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास ये था, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके गया या साइड तक लेके गया, तो क्या होगा, देखिए जब मैं इस पेन को ऊपर इस तरीके से लेके जाऊंगा तो इसके अंदर जितने ही पार्टिकल होंगे उसका मोशन क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, इसका मतलब क्या है, जब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, इसको इस ऑब्जेक्ट को उठा के या साइड पे लेके जा रहा हूं, तो सारे के सारे अंदर इसके जो पार्टिकल होंगे उनका जो मोशन होगा वो एक ही तरफ स्टार्ट हो जाएगा, बात समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्या करूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को भी अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो उसमें जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर का जो मोशन होगा वो ऑर्डर्ड मोशन होगा, ना, बिल्कुल रेगुलर मोशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब हम वर्क परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो मोशन होता है वो ऑर्डर्ड मोशन होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो वर्क होता है वो ऑर्डर्ड मोशन की वजह से होता है या रेगुलर मोशन की वजह से होता है। तो यहां पे पॉइंट आता है क्या, वर्क में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, ड्यू टू हमारे पास ऑर्डर्ड मोशन की वजह से या रेगुलर मोशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, ठीक, एनर्जी ट्रांसफर होती। तो हमें वर्क पता चल गया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो वर्क होता है वो हमारे पास ऑर्डर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है, उसी की तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक। हमने यहां पे जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं क्या, एक सारे के सारे पार्टिकल एक ही तरफ क्या हो, मूव करें, तभी ऑर्डर मोशन आ रहा। अब इस वाले में देखिए, हीट वाले में देखिए क्या, देखिए हीट में क्या होगा, ये तुमने हीटर रखा है, देखिए ये हीटर तुमने रखा है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे इनका मोशन क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ये तो है जी, कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, ये कोई उधर घूमेगा। तो मैं कहता हूं कि पहले मेरे पास जो हीटर रखा है इसके अंदर पार्टिकल क्या होंगे, डिसऑर्डर मोशन में होंगे, ठीक ठीक। जैसे तुम इसको हीट करोगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, धीमे धीमे बढ़ जाएगी, तो इसका ऑर्डर और डिसऑर्डर हमारे पास डिसऑर्डर हो जाएगा, किसका, हीटर का। तो जैसे हमारे पास का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो मोशन है इसका किसका, हीटर वाला, ये जो हीटर वाला हमारे पास मोशन है यही वाला हमारे पास जो मोशन होता है इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब क्या है, जो हमारे पास हीटर जैसे हीट करेगा, हीट होगा, ठीक, हीट होगा, तो इसके अंदर जो मोशन है वो कहां हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा किसके अंदर, कोई जो ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को तुम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे होगे। तो मैं कहूंगा ये जो हमारे पास इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट तुमने ये रखा है, इसके अंदर जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास डिसऑर्डर्ड मोशन हो जाएगा, ठीक, डिसऑर्डर मोशन हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करते हैं, किसी को हीट करके या गर्म करके उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो जो हीटर का हमारे पास पार्टिकल में जो मोशन है वही इनहेरिट हो जाता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं कहता हूं क्या, अगर तुम क्या करोगे, हीट के थ्रू एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हो तो इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो डिसऑर्डर मोशन में होंगे, देखिए कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर हीट के थ्रू मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये देखने को मिला कि इसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल के डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से होगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें पता चल गया वर्क जो होता है वो ऑर्डर्ड मोशन की वजह से होता है और हमारे पास हीट क्या होती है, डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से होती है, ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।